बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। वैक्सीनेशन लगाकर युवाओं ने किया वृक्षारोपण। नगर के युवाओं द्वारा वैक्सीनेशन लगवाकर वृक्षारोपण का संदेश दिया। वही बताया कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे कि वातावरण में ऑक्सीजन युक्त हो सके। उन्होंने सभी युवाओं से आग्रह भी किया है कि अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं एवं एक पौधा जरूर लगाएं। मेरे द्वारा स्वयं का वैक्सीनेशन करवाया है, वैक्सीनेशन सेंटर पर ही वृक्षारोपण किया है। आपके माध्यम से सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ, स्वयं का वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, साथ ही एक वृक्ष अवश्य लगाएं। खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरी गाय, 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। अंजड़ कृषि उपज मंडी में बने कर्मचारी आवास परिसर में झाड़ियों में घूमते हुए, आवासीय परिसर में बने सेफ्टी टैंक की फर्श टूटने से सेफ्टी टैंक में गिरी गाय। मौके पर पहुंचे नगर परिषद कर्मियों ने जेसीबी व अन्य संसाधनों से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को निकाला बाहर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पानसमल द्वारा महामहिम राज्यपाल का नाम सौंपा गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रदेश सरकार द्वारा झूठी FIR दर्ज कराई गई, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पानसमल एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना प्रभारी को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम प्रकाश जैन है, मैं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पानसमल। पानसमल ब्लॉक के अध्यक्ष कमल सिंह राजपूत के तत्वाधान में के उनमें नेतृत्व में हमने कमलनाथ जी के खिलाफ जो झूठी FIR दर्ज की गई, उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है और FIR वापस ले जाने की मांग हमने की है। एसिस मैनेजमेंट की हुई बैठक संपन्न। नगर पंचायत खेतिया परिसर में अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नगर पालिका अधिकारी की मौजूदगी में नगर स्तरीय क्राइसिस समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थित समिति के सदस्यों ने 1 जून से होने वाले अनलॉक को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे शहर में किस प्रकार व्यापार हो, वहीं टीकाकरण को बढ़ाने के लेकर सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए स्थानीय स्तर पर जन सहयोग की मांग कही।